गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज 7 के क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तुम्हें कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं? द फ्लो ऑफ चार्ज फॉर यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो होता है वही अपना क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है या करंट होता है। मतलब यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करते हैं, जो आप एनर्जी फ्लो करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। तो हम लोग लिखेंगे फ्लो ऑफ चार्ज फॉर यूनिट टाइम। तो करंट को क्या लिखेंगे? चार्ज बटे टाइम। तो लिखिए आई इज इक्वल टू क्यू बटे टी। ये हम लोग का क्या हुआ? बेसिक फॉर्मूला हुआ। अब एस आई एम्पियर, हम लोगों को करंट जो मेजर करना रहता है वो एम्पियर में मेजर करना है। 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5, जैसे कोई चीज़ आप कोई क्वांटिटी लेते हो 2 kg, 4 kg, 5 kg, वैसे ही अगर करेंट लेना होगा तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, राइट। अब 1 एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज का ऐसा लिख का कूलम और टाइम का सेकंड, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यह आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं। क्लियर? अब हम लोग कुछ सिंबल देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट में क्या क्या सिंबल यूज होते हैं, जैसे स्विच हुए और फिर बल्ब हुआ, ये सब सारे स्विच को देखेंगे, कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो आप बताइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। क्लोज पाथ मतलब जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी लेके जाते हो, प्रेस करते हो, ठीक है। जैसे फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद ही फैन चलता है, बॉल जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने। तो ये क्लोज पाथ फॉर इंश्योरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैसा पाथ, वैसा क्लोज पाथ जिससे इंश्योर हो जाए कि करंट पास कर रहा है, करंट जा रहा है, उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। दो तरह का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। जब अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वर्किंग में हो, आई मीन फैन चल रहा हो, बल्ब जल रहे हो, अगर वर्किंग में हो तो क्लोज, और अगर वर्किंग नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा? वो ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सेल या बैटरी है जिसे एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हो, ये आपका एक बॉल यूज किए हुए है और यहाँ से स्विच लगा के ऑन कर दिए, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्लोज, ठीक है। अगर वही दूसरा में क्या हो जाएगा, अगर ये नहीं ग्लो कर रहा, ये हो गया ग्लो, नॉट ग्लो, तो ये हो जाएगा क्लोज ओपन। ये क्या हो जाएगा? ओपन। तो जिससे जिस पाथ से श्योर हो जाए कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड सर इलेक्ट्रिक सर्किट। दो तरफ का होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है। अगर स्विच ऑन किए तो क्लोज और ऑफ किए तो ओपन। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं, हम उसका सिंबल्स देखेंगे। सबसे पहले सेल या बैटरी, पहले सेल यूज, और सेल का सिंबल जो होता है कुछ इस तरह प्लस और माइनस। दूसरा बैटरी, ठीक है। तो एक से अधिक सेल के कॉम्बिनेशन से बैटरी बनता है, तो ये जाएगा प्लस और माइनस, ठीक है। अब हो जाएगा क्लॉक, की या स्विच, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, या फिर कुछ बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रेसिस्टेंस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। तो यहां पे लिख देते हैं, इसके बाद यहां है 4 नंबर रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, आर से डिनोट होता है। अब रेसिस्टेंस के बाद देखेंगे वॉल, ठीक है, वॉल। तो वॉल इस तरह से, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है जो आप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर, आमीटर
आम इधर, पांच के बाद छह, आम इधर, तो आम इधर पे ये लिखा होता है। अगर वोल्ट मीटर हो तो उस पे भी लिखा होता है, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर हो पे जी लिखा रहता है, ठीक है। अगर रियोस्टेट हो ठीक है, उसको वेरिएबल रजिस्टर करते हैं, इस तरह लिखा होता है आर एच, क्या होता है आर और एच, ठीक है। आमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मीटर करता है, जो आपके घर जो मीटर होता है ना उसी को आमीटर करते हैं। वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, मतलब दो पॉइंट के बीच में वर्किंग को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर एक करंट को डिटेक्ट करता है कि आपके बॉडी या वो सब्जेक्ट से करंट रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके उस सब्जेक्ट में करंट है या नहीं है। रियोस्टेट ये वेरिएबल है, करंट को फिक्सेशन करता है, एडजस्ट करता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो है वो देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसको लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब हम किसी कंडक्टर में करंट को पास कराते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो कंडक्टर गर्म होता है, और गर्म होने के बाद हीट और लाइट देता है, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जैसे आपको बॉल जलाना होता है तो बॉल जलाने के लिए आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो जस्ट लाइक बॉल इज कंडक्टर, आपने स्विच ऑन किया मतलब करंट दिया, थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो गया, गर्म हो गया तो हीट और लाइट दिया, इसी को कहते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो वो लिखे हैं When an electric current is passed through a high resistance, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी हाई रेसिस्टेंस में पास किया जाता है तो गर्म हो जाता है, ठीक है, और क्या देता है हीट और लाइट देता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको आगे आएंगे टेंथ में तो कैपिटल एच से मेजर करते हैं, और एच इज इक्वल टू जो होता है आई स्क्वायर आर टी, यानी आपको आगे अभी नहीं पढ़ना है, आगे क्लास में, मतलब हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अब इसका कुछ एप्लीकेशन मतलब यूज, आप बॉल हीटिंग इफेक्ट के कारण लाइट और लाइट देता है, हीटर हीटिंग इफेक्ट के कारण वो आपको हीट करता है, गीजर, ठीक है, फ्यूल, ये सारे हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं या यूज करते हैं, एनी प्रॉब्लम नो। अब आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे फ्यूज, अगला टॉपिक होगा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं फ्यूज के साथ, नेक्स्ट बैटन वाज, थैंक यू।